सो स्वागत है आपका एक और प्रैंक वीडियो में। और पिछली वाली प्रैंक वीडियो आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई और काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ें बोली कि जैसे कि अगर बिना कैमरे के प्रपोज करते तो वो मान जाती और ऐसा वैसा। भाई मुझे तो नहीं लगता है वैसे वो मानती, जैसी उसकी हरकतें जितने दिन से मैं उसको जान रहा हूँ। बाकी आप लोगों के कहने पे मैं एक और प्रैंक करने वाला हूँ कि उसने मेरा प्रपोजल मना कर दिया, मतलब प्रैंक था जो भी था, मैं बोल दूंगा वो तो प्रैंक था, बोल दिया मैंने, क्योंकि मेरे को रिजेक्ट तो होना नहीं था ना, ईगो हर्ट हो जाती, तो इसलिए मैं अब दोस्ती भी तोड़ रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, तो आपके वो जो मन के वहम है वो भी दूर हो जाएंगे कि सच में ऐसा था या नहीं था। तो अभी हम अपूर्वा को कॉल करने वाले हैं और उससे बोलने वाले हैं कि अपन तोड़ रहे हैं दोस्ती, क्योंकि भैया अपना प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है। और मैं तुम्हें सच सच बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में, मैं सिंगल रहना बहुत बढ़िया पसंद करता हूं, खुश हूं मैं सिंगल जिंदगी से, है ना। तो देखते हैं अब, चलो जल्दी से शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। हेलो, हाँ अपूर्वा फ्री है क्या? ये क्या आवाज क्यों गूंज रही है, कहाँ पे, बाथरूम में क्या? अबे छी, फोन उठा लिया, छी छी छी। हाँ मैं ये बोल रहा था, एक्चुअली वो उस दिन प्रैंक किया था ना यार, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं पता है, वो एक्चुअली प्रैंक था नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट आके प्रपोज करूंगा मना वना कर दे, तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ में कैमरा रख लेते ताकि बेइज्जती ना हो। पर यार फीलिंग तो थी मेरे दिल में, पर अब तूने ऐसे डायरेक्ट मना कर दिया तो काफी बुरा लगा मुझे। भाई क्या बोलता है? नहीं देख अपन इतने दिन से साथ में घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इंसान को थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती है यार। नहीं मैं बहुत दिन से, पता है मैं काफ़ी टाइम से सिंगल हूँ, मेरे को एक्चुअली कोई लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं, अभी मैं तेरे साथ ही घूमता हूँ रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या कहते हैं कुछ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे तेरे साथ, तो मैंने सोचा था वैसे ही, पर तूने मना कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि अब प्रैंक ही बोल देता हूँ। पर अब तो देख क्या कहते हैं, वो प्रैंक ख़त्म हो गया, पर सच बताऊँ तो मेरे तो है फीलिंग, पर मेरे को लगता नहीं है कि तूने इसलिए तो मना नहीं कर दिया कि कैमरा था वहां पे। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, दोस्ती है यार, किसी से बोल रहा है तो किसी से नहीं, क्या बोलूं मैं। नहीं देख सही बात बताऊं तो मैंने कैमरा सिर्फ इसीलिए ही रखा था कि अगर बाय चांस क्या कहते हैं हाँ हो जाता है तो वो फ्यूचर के लिए वीडियो काम आ जाएगी, पर तूने मना कर दिया तो मैंने सोचा कि बेइज्जती होगी, इससे अच्छा प्रैंक बोल के खत्म कर देता हूँ। क्योंकि ऑडियंस, मैंने सोचा था वीडियो तो मेरे को अपलोड करनी थी, तो मैंने सोचा ऑडियंस भी देखेगी, अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा प्रैंक का तो बेइज्जती होगी मेरी। दोस्ती वाली बात नहीं है यार, अब वो तो फीलिंग है यार, वो अब किसी के कंट्रोल में थोड़ी रहती है यार। मैं समझ रही, अच्छा मैं क्या बुरा इंसान हूँ क्या, मैं तेरे साथ इतने दिन से घूम रहा हूँ? नहीं वो तो सही बात है, नहीं ये सब बातें मैं भी मानता था तुझसे मिलने से पहले, पर अभी मेरे को तेरे साथ इतना अच्छा लग रहा है कि मैं भी सिंगल ही रहना पसंद करता हूँ, सब लोगों को पता है, पर अभी तेरे से मिलने के बाद मुझे नहीं ठीक है। मैं नहीं, वो तो तूने मना करा था, मैं तभी समझ गया था कि ऐसा कोई सीन नहीं है, पर मैंने कॉल अभी इसीलिए किया था कि यार अब मेरे तो अंदर फीलिंग है, अब मैं तेरे से मिलता हूँ तो मेरे को अजीब लगता है, बुरा सा मतलब मेरे को लगता है कि यार क्यों नहीं हो पाया वो। नहीं मैं देख मेरी बात सुन, मैं सीधी बात ये है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर वो सब जो चीज़ें हुई उसके बाद, ऐसे नॉर्मल मैं तो नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर तो फीलिंग है, तो अपन बेटर यही होगा कि अपन दोस्ती वोस्ती तोड़ लेते हैं। तो मतलब कि तू नहीं देख, नहीं देखना सीधी सी बात है कि तू तो दोस्त की तरह रह लेगी क्योंकि तूने उस मेरे को कभी उस नज़र से देखा नहीं है, पर मैंने तो तेरे को मतलब देख के मेरे को तो फीलिंग ही आती है ना, मैं तेरे आसपास रहूंगा तो मेरे को सब कुछ याद आएगा फिर। नहीं ऐसा नहीं होता,
तूने वो डायलॉग नहीं सुना क्या, दो एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? अबे ऐसे कुछ नहीं होता, ये नहीं देख, अब मेरी तो ज्यादा लड़कियों से दोस्ती भी नहीं है, पर अब मेरे को तो देख, मैं पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई बुराई नहीं है उसमें कि तेरे को मैं पसंद नहीं हूँ। मेरी बात तो सुन ले, देख मेरी मेरी भी वो समझ थोड़ी सी सिचुएशन, कि मेरे को अब बुरा लगेगा तेरे आसपास भाई। वो तो सही बात है, पर अब मैं नहीं रह पाऊंगा ना पहले जैसा। यार देख पहले की बात अलग थी, अब वो चीजें सेम नहीं रहेंगी, अब मैं तुझे देखूंगा उस नजर से और फिर तेरे को भी मेरे आसपास अब ऑकवर्ड लगेगा, तू वैसे नॉर्मल नहीं रह पाएगी। तुझे नहीं, तूने तूने कभी ऐसा फील नहीं किया ना यार, तू कैसे समझेगी? मैं तुझे समझा भी नहीं रहा, वो कोई गलत नहीं है, पर अब मैं आसपास रह के तेरे को परेशान करना या खुद को और परेशान करना नहीं चाह रहा हूँ, तो बेटर यही होगा कि अब अपन लोग अब नहीं, वो हो सकते हैं पर वो तभी होते हैं तब किसी एक के दिल में फीलिंग ना हो। अब मेरी तरफ से तो वो है, अब मैं भी तेरे को कभी देखूंगा तो तेरे दिमाग में ऐसे ही आएगा कि ये कुछ गलत वे में देख रहा होगा, और अब मैं भी क्या बोलूँ कि मेरे दिल में तो नहीं। वो तो सही बात है, पर अब मेरे दिल में जो है वो तो है, अब मैं उसको तो इरेज नहीं कर सकता ना। अब नहीं देख ले, मैंने तो देख तेरे को लास्ट टाइम कॉल किया है कि अब मैं तेरे को हटा रहा हूँ सब जगह से, और ऐसा कोई अपने बीच में दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, है ना। बाकी तुझे कभी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तेरी हेल्प करूँगा, है ना। अरे सुन देख, मैं अरे पर नहीं, तू मेरी वो भी समझना थोड़ी, अपन देख अपन है दोस्त। अच्छा हाँ, क्या भूल गई? क्या क्या मतलब होता है ये? मैं हंस रही है देख, तू तू अभी भी सीरियसली नहीं ले रही है मेरी बातों को। चल ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है भाई, तू हंस रही है मेरी फीलिंग्स पे। चल ठीक है ना, चल ठीक है, बाय बाय बाय। काट दिया भाई फोन मैंने, अब थोड़ी सी सीरियस हो जाएगी शायद। वेट करते, थोड़ी देर में फोन आ जाएगा। आया 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 हेलो। फोन क्यों काट, बात तो पूरी कर ली भाई, अब तू समझ ही नहीं रही है मेरी बात को, तो मैं क्या बोलूं भाई। मैं तेरे से कह रही हूं, तू मेरी तो सुन ले। देख देख, दोस्ती में चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज में दो पहलू दो पक्ष होते हैं भाई, तू अपना बोलेगा ना, मेरी तो सुन ले। क्या बोल? मैं ये कह रही हूँ कि भाई हर चीज ऐसा नहीं है कि दोस्ती नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, ये सब पॉसिबल है भाई। और मैं तेरे को बोल रही यार, मैं कैसे समझाऊँ यार, तू नहीं। अब मैं देख, मेरी तरफ से तो खत्म ही है, बाकी तेरे को कोई कभी दिक्कत हो तो तू मुझे बता सकती है, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तुमको पता है वैसे लोग कितनी 50 बातें बना रहे हैं, तो तुम्हें वो अनफॉलो है ये सब करेगा, क्या बोलेंगे भाई। अब वो कुछ भी बोले यार, अब उसके चक्कर में मैं डिस्टर्ब नहीं रह सकता ना, ऐसे तो मैं उसमें चला जाऊंगा क्या कहते हैं डिप्रेशन में, कि मेरे दिमाग में तो यही सब आएगा। मैं जितना हो सके अब काम पे फोकस करूंगा, मैं तुझसे दूर रहूंगा तो ही मेरा दिमाग नॉर्मल हो पाएगा। नहीं देख तू, अब ठीक है वो तो, है ना। चल ठीक है, मैंने बस यही बताने कॉल किया था, बाय बाय, है ना, बाकी ध्यान रख। अरे सुन 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 तो सुन तो, अरे तो मेरी बात, अरे मैं मेरी बात तो सुन ले। ए भाई क्या ये? हेलो, अरे अरे प्रैंक प्रैंक था भाई, प्रैंक था, प्रैंक प्रैंक, सही सही बोलो। कैमरा कैमरा लगा है मेरे सामने, मैं तेरे को वीडियो भेज, अरे मैं वीडियो भेज दूंगा, सही बता रहा हूँ, प्रैंक था, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, नहीं है भाई। लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड करी थी कि आप पूर्वा पे करो फिर से। अबे नहीं 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 सही, नहीं 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 मजाक कर रहा था, अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। नहीं नहीं, अब तो तू मिलने ही मत, मैं अपने चार मत दिखाना।
अरे मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना यार, सॉरी अब नहीं करूंगा पक्का, ये आखिरी प्रैंक, आखिरी, अब नहीं, नहीं आखिरी आखिरी, ये पक्का पक्का आखिरी, ये पक्का आखिरी पक्का आखिरी पक्का आखिरी, चलो ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा दिल पे नहीं लेना है ना। नहीं मैं आज तेरे को स्टारबक्स की कॉफी पिलाऊंगा, गुस्सा नहीं। अरे यार अच्छा ठीक है, ट्रीट मेरी तरफ से है ना, गुस्सा नहीं, ठीक है, प्रैंक था है ना, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, करो जब इधर का अनुभव करते अच्छा। अरे लोगों से तो बोल दे वीडियो लाइक कर देना, तेरे बड़ा मजाक हो गया तेरे साथ। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रोस्ट करो, हो गया रोस्ट भी हो गया। चलो ठीक है ना, टाटा बाय बाय, मजा आ गया भाई साहब, भाई साहब वो सही में हटा देती है अभी मुझे, तुम लोग क्या प्रैंक के चक्कर में एक आध दिन मेरी दोस्तियां टूट जाएंगी, पर चलो ठीक है, मजा आया। और कमेंट करना किसको ज्यादा अच्छा लगा हो, तो और 100K सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से, फिर इसके लिए सोचते कुछ अपूर्वा के लिए फिर से करेंगे, वैसे वीडियो तो देख रही होगी, सॉरी अपूर्वा, गुस्सा नहीं है ना, वीडियो लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट करना और किसके ऊपर करना है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, 100K होने वाले, सिल्वर बटन, टाटा बाय बाय।